तो आज आ गए दिल्ली एनसीआर लाइव पिज्जा, आपको पूरा लाइव पिज्जा बनते हुए मिलेगा। अब ये देख लो, पूरा दिखेगा आपको। अगर आपको बनाना नहीं आता ना, तो आज आप सीख लो यार, और ये वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, काफी बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो ये भैया यहाँ के ओनर है, क्या नाम है आपका? सुरेश। तो क्या क्या खास है आप, तो सबसे पहले ये बता दो जो देख रहे हैं इनको। पिज्जा है, बर्गर है, सैंडविच है। तो आप भैया सबसे पहले क्या लगाओगे हमारे लिए? बर्गर लगा रहे हैं आपके लिए। तो पहले लगेगा बर्गर, आपको दिखाता हूँ। उससे पहले बता दूं ये दुकान आए कहाँ पे। आए हैं हम भैया रमेश नगर की मार्केट में। अगर आप बिल्कुल सामने से आएंगे ना, मेट्रो स्टेशन रमेश नगर है, वहाँ पे खेतरपाल क्लिनिक पड़ेगा, रेड लाइट है। वहाँ से बिल्कुल आपने अंदर वाली तरफ में आया ना मार्केट में, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7905629795। तो भैया सबसे पहले आप तैयार करो यार, बर्गर तैयार हो रहा है, देख लो आप। तो इसमें क्या क्या डाला जाएगा ना बताता जाना यार। पिज्जा टॉपिंग है, ये पिज्जा टॉपिंग लगा रहे हैं इसके ऊपर। टमाटर कैप्सिकम मिक्स है, जितने भी वेजिस होते हैं ना सबका मिक्सचर इन्होंने डाल दिया है। ये मोज़रेला चीज है, ओ ये देखो मोज़रेला चीज आ गया, जो छोटे छोटे पीसेस में होती है ना। तो इसके ऊपर लिक्विड वाली भी डाली जाएगी भैया? हाँ भैया, लिक्विड वाली भी होगी। तो वेजिस आ गए आप देख लो, और चीज आ गई है। और अगला प्रोसीजर आप देखते रहो भैया, सीखते रहो, और वीडियो को शेयर कर दो यार। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है, अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना, तो यार मज़ा नहीं आएगा। और ये देखो आ गई है लिक्विड वाली चीज़, पूरे भैया ने अच्छे से इसको फिल कर दिया है यार। तो खाने में तो मज़ा आने वाला है, और आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा पूरा पूरा। और ये ऊपर से और चीज़ डाल दी है भैया ने, ये हो गया भैया ट्रिपल चीज़ हो गया। तो अभी इसके बाद भैया क्या किया जाएगा इसको? मशीन में करा जाएगा। तो मशीन में मतलब क्या प्रोसीजर रहता है, किस कितनी देर लगती है इसको? 5 मिनट कुल। तो 5 मिनट में अच्छे से ग्रिल होगा पहले, तो ये दोनों साइड से एक साथ पक जाएगा। हाँ। गैस कर दिया भैया ने ऑन, तो अभी इसको लगेंगे 5 मिनट। तो अभी लगने जा रहा है हमारा ये पिज्जा, तो पिज्जे के ऊपर टॉपिंग की जा रही है अभी। तो ये मसाले में क्या क्या ऐड करते हो भैया आप? मिर्च होती है, प्याज टमाटर मिक्स करके बनाया जाता है मिक्सी में पीस के। तो काफी सारे वेजेस होते हैं, उसका पूरा मिक्सचर किया जाता है और मसाले डाले जाते हैं ताकि ये स्पाइसी हो जाए। तो अभी वेजेस आ गए ऊपर से जो सॉलिड फॉर्म में है। ये चीज आ रही है मोज़रेला, तो अभी मोज़रेला चीज आ गया है। तो ये छोटे छोटे डाइस आपको दिख रहे होंगे ये चीज की, और इसके ऊपर दोबारा से भी डाली जाएंगी। ये मखनी जलेबी आ रही है मखनी पिज्जा बनाने के लिए। ओ ये मक्खनी पिज्जा होने वाला है, और इसके ऊपर ये आ रही है मक्खनी, तो मक्खनी ग्रेवी आ रही है इसके ऊपर। तो डाल दो भैया फटाफट। तो ये स्पेशल है, और इसी कारण इसका नाम है मक्खनी पिज्जा, मक्खनी चीज पिज्जा है। तो इसमें क्या खास रहता है? इसमें क्वालिटी भी अच्छा है, टेस्ट इसका रहा, मसाले से बनी हुई है, इसके स्पाइसेस अलग होते हैं, मसाले अलग होते हैं, इसीलिए इसका अलग ही स्वाद आएगा। तो अभी खा के मैं आपको बताऊंगा। ये लिक्विड चीज है, तो पहले भी है ना डाइसी चीज डाली थी, और अब इसके ऊपर डाली जा रही है लिक्विड चीज। इसको अच्छे से पूरा फिल कर दिया जाएगा लिक्विड चीज के साथ में भी। तो आपको सारा बता रहा हूँ मैं, अपने अगर घर पे बनाना है ना, तो सारे आइटम आपको मिल रहे हैं यार। अगर आपने खाना तो आपका यहाँ एड्रेस तो मिल ही गया है। और वीडियो में अपने जितना भी पिज्जा लवर है ना, उनको टैग कर दो यार फटाफट, ताकि उनको भी मालूम हो जाए। और इस वीडियो के बाद इसके ऊपर आप दोबारा से डाली जा रही डाइस वाली चीज, ट्रिपल चीज हो गया भैया। जब तो स्वाद आएगा इसका, अरे वाह, जब तो स्वाद आएगा। पनीर, पनीर मक्खनी पनीर ट्रिपल चीज पिज्जा, इसका नाम ये होना चाहिए। नहीं, हमने मखनी पनीर ही रख रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो मैंने अपना नाम बता दिया, इसका क्या नाम होना चाहिए, मखनी पनीर ट्रिपल चीज पिज्जा। और इसके ऊपर दोबारा से, ये जो फैले नहीं, ट्रिपल, मैंने ट्रिपल बोल दिया, लगता है क्वाड बोलना पड़ेगा। ये बड़ा पिज्जा हो गया, इसका प्राइस क्या रहेगा भैया? 90 रुपए, मात्र 90 रुपए, मात्र 90 रुपए में भैया दे रहे हैं। इसके ऊपर दोबारा से डाली गई है ग्रेवी, रेडी हो गया, मशीन में जाएगा। तो डाल दो भैया। तो इसके अंदर कितनी देर लगती है इसको रेडी होने में? 5 से 7 मिनट। तो 5 से 7 मिनट में ये भी रेडी होके आ जाएगा, और हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो गया। तो आपको दोनों का रिव्यू करके दिखाऊंगा इसके बाद में, तो भी मिलेंगे आपको सीधा टेबल पे। तो भैया देख लो, ये लक्के तैयार हो गया। आपको मैंने दिखा दिया था कैसे बना था, मक्खनी पनीर था, मैंने उनको बोला था इसका नाम मुझे क्वाड वाला ना, इसके ऊपर चीज डाली गई है 4 बार, तो 4 लेयर है इसके अंदर। और इसकी जो रेट भी काफी इकोनॉमिक है, मात्र 90 रुपए का ये। तो आपको पनीर के पीसेस दिख रहे होंगे, बाहर आए हुए हैं, काफी अच्छा है इन्होंने इसके ऊपर डाला है इसके अंदर। और मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ इसके अंदर चिली फ्लेक्स,
ये मैंने फुला दिया इसको चारों तरफ, वो काफ़ी स्पाइसी होने वाला है। जो उनकी टॉपिंग है ना, जो उन्होंने टॉपिंग करी है जिस मसाले के साथ, वो भी काफ़ी स्पाइसी है। और मैं डाल रहा हूँ साथ में थोड़ी सी चटनी। चीज़ आपको दिख रही होगी, ये देखो कैसे गिर रही है यार नीचे। तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ अभी। वो जो पिज़्ज़ा है ना काफ़ी क्रिस्पी, तो काफ़ी इकोनॉमिक लगा मेरे को। पूरी चीज़ भरी हुई है यार अच्छे से, स्पाइसेस के पूरे मतलब पूरे मसाले पता लग रहे हैं। तो इसका जो रेटिंग रहेगा ना 5/5 है इसकी रेटिंग हमारी तरफ से। वो नेक्स्ट जो हमने बनाया यहाँ पे चीज़ी बर्गर, तो ये भी काफ़ी चीज़ी है। देख लो मेरे हाथ तो गंदे आए, और ये भी चीज़ी वाला बर्गर है हमारा। तो उसमें काफ़ी अच्छे से वेजेस डाले गए हैं, ये देखो आपको दिख रहे होंगे। रेट मात्र 40 रुपये का ये पिज़्ज़ा। इसके ऊपर टॉपिंग की थी बड़ी अच्छे से मसाले डाल के, इसके ऊपर इसके ऊपर अलग से वेजेस भी डाले गए हैं, आपको दिख रहे होंगे सॉलिड फॉर्म में। इसके ऊपर 3 बार चीज़ डाली गई है, पहले डाइस वाली डाली गई है, फिर लिकर डाली गई है, उसके बाद फिर दोबारा से डाइस वाली डाले गए। तो यहाँ का ऑल ओवर जो रेटिंग रहेगा ना हमारी तरफ से रहेगा 5/5। तो आपने इसको बनाना भी सीख लिया है, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो घर बना सकते हो। अगर आपने आना है तो एड्रेस है रमेश नगर, माना पड़ेगा आपको, न्यू दिल्ली रमेश नगर। और वीडियो को आपको शेयर करके जाना पड़ेगा भैया, ये तो आपका फर्ज बनता है पूरा, मैंने आपको दिखा दिया। तो दिल्ली बॉयज़ सपोर्ट करते रहा करो भाई, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और